दुनिया में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्हें घूमना पसंद है, और आमतौर पे आप लोग भी निकलते ही होंगे घर से बाहर टहलने, घूमने फिरने के लिए। आपने गौर किया होगा कि आपके आसपास जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की कुछ मार्केटें बनी होती हैं। ये मार्केट एक छोटी छोटी दुकानों में तब्दील होती हैं। ये दुकानें जो होती हैं, ये आपकी ज़रूरत की चीज़ें तुरंत मुहैया कराती है। आप पैसा दे के तुरंत ही सामान खरीद लेते हैं। क्या ये दुकान और क्यों, किस लिए हम खोल सकते हैं? तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर ये दुकान अगर हम खोलते हैं तो इससे हमें बेनिफिट और लॉस क्या होता है। पहले हम बात करते हैं कि हमारे बेनिफिट क्या है। अगर हम कोई लेडीज़ हैं तो हमारी ज़िंदगी में घर परिवार के सिवा और कुछ नहीं रह जाता है। अगर आप घर परिवार के साथ साथ कई जिम्मेदारियां निभा रही हैं या आपके पास कोई दिक्कत है तो निभाना चाहती हैं, तो आप अपनी खुद की एक दुकान खोल सकती हैं। अगर आपको कपड़े की सिलाई आती है तो ये दुकान खोल के आप अपना जीवन यापन और अपने ट्रेडिशन को बढ़ाकर अपने बिजनेस में तब्दील कर सकती हैं। इसी तरह से कि इनकम का सूत्र बढ़ता है और इसी बिजनेस से आप बहुत से फ़ायदे उठा सकते हैं। इसमें आपको कहीं ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है, ना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कोई प्रोडक्ट्स में लगाने पड़ते हैं। आपके पास मशीन और आपके पास ज़रूरत की सारी चीज़ें होनी चाहिए, बस बाकी कस्टमर खुद आपको कपड़े और जो डिज़ाइन चाहिए, पैसे वो आप ही को ही देता है। खाली आपकी इसमें मेहनत लगती है। आप जितनी अच्छे से सिलाई या फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करते हैं, अगर इसमें आपकी रुचि है तो आप इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपनी एक छोटी सी बुटीक, बड़ी सी बुटीक, दोनों तरह की शॉप खोल सकती हैं, और टेलरिंग का काम करके भी आप अपने घर बैठे पैसे कमा सकते हैं इससे। अगर आपका घर मार्केट के आसपास है तो पास में दुकान लेकर आप खेल खिलौनों की मार्केट वाले दिन बिक्री कर सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी समय शाम को आप अपना जंक फूड्स और फेज फूड आदि जैसे जो लोगों में बहुत प्रसिद्ध है, उन फूड्स को खोल के और नाश्तों को लगा करके आप अपना एक बिजनेस कर सकते हैं। इसी तरह से आप आर्ट गैलरी, अगर आप आर्ट गैलरी के शौकीन हैं, आर्ट के शौकीन हैं, तो आप डेकोरेट करके एक दुकान पे रख के इसे भी बेच सकते हैं। इसी तरह से आप अपने हैंड वर्क से जो भी चीज़ें बनाते हैं आर्ट गैलरी में, उसे भी सम्मिलित कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मसालों की या किसी तरह की दुकान खोलने की। अगर हम कॉस्मेटिक या मसालों की या बहुत बड़ी दुकान खोलते हैं किराने टाइप में, तो हमें पूरा दिन उस दुकान में देना होता है और यह दिन भर की दुकान खुली होती है। चाहे वो मोबाइल शॉप हो, चाहे वो खिलौनों की हो, चाहे बर्तन भाड़े की हो, चाहे जैसी हो। अगर आपका किसी काम में शौक है, उस काम को, कला को आप निखार के एक छोटी सी शॉप में तब्दील करते हैं, तो वो एक बिजनेस है आपका छोटा सा, जिससे आप अपनी रुचि के अनुसार करने में इंटरेस्ट लेते हैं और आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं जिसे आप कस्टमर कहते हैं, और कस्टमरों को अपनी सर्विस जब प्रोवाइड करते हैं तो आपको भी एक खुशी मिलती है। इसमें आपके साथ कई लोग जुड़ जाते हैं, आने वाले पर्यटन या आने वाले आसपास के लोग भी आपसे मिलने के उत्सुक रहते हैं। और इसी तरह से अगर आप कुशल सर्विस प्रोवाइड करने वाले एक दुकानदार हुए तो आपका जीवन बहुत सफल है और आपके कभी भी कस्टमर आपसे दूर नहीं जाएंगे। आप कोशिश करिए कि आप छोटी सी दुकान खोलकर अपने जीवन में अच्छी तब्दीली लाएं। तब्दीली आपके लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर होता है। बिजनेस या शॉप कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है। दुकानदारी बहुत ही शांतिपूर्ण और ईमानदारी से करते हैं और व्यवहार अच्छा रखते हैं तो आपका नाम बहुत लंबे समय तक लिया जाता है।